सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन सात जनवरी 2021 को फ्रांस पे चार्ली चारलीपो के उस खौफनाक कातलाना हमले को याद किया गया और उसकी फिर मजम्मत की गई एक बार फिर भरपूर अंदाज के साथ और सेकुलरज़म की डिबेट फिर फ्रांस में जोर पकड़ गई जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ली हैपडो के कॉन्टेक्स में ये कोई पहला टेररिस्ट अटैक नहीं था उससे पहले भी हुए थे और उसके बाद आज तक हो रहे हैं और इस मौका पर एक मुसलमान फ्रेंच पुलिस मैन अहमद मरावैद को भी खराज तहसीन पेश किया गया जो उन दहशत गर्दों को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी हार बैठा अब रिसेंटली फ्रांस के सदर ने जिस तरह स्टैंडस लिया है एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ और फ़्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हक़ में और ये कह कर लिया है कि सेकुलरिज़म का अब फ्रांस में बोलबाला होगा हम किसी तौर पर भी फ्रांस की जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं हम उनको किसी तौर पर भी मरने नहीं देंगे यह है सिचुएशन फ्रांस की जब सेकुलरिज़म की बात हो रही है फ्रांस में यूरोप में और मैं तो ये कहूँगा जब सेकुलरिज़म के रिवाइवल की बात हो रही है फ्रांस और यूरोप में तो मुझे भारत में जो सेकुलरिज़म का जो नेरेटिव है एक लंबे समय से वो उसके कई शेड्स याद आ रहे हैं और वो आपके सामने भी और मेरे सामने भी हैं कि भारत का जो सेकुलरिज्म का जो ढोंग रचाने वाले हैं या जो उस पर राजनीति करने वाले हैं वो क्या फ्रांस की सेकुलरिज़म की अतलाह या डिक्शनरी में जो सेकुलरिज़म की अतलाह है उसको देखना चाहेंगे वहाँ पर इस्लामी हलकों का एक्सट्रीम लेफ्ट के हलकों का राजनीति करने वाली बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना है कि भारत में ख़ास तौर पर बीजेपी की जब से ये दूसरी सरकार बनी है दोनों सरकारों के दौरान उनका ये कहना है कि सेकुलरिज्म का तो जनाजा निकल गया चाहे वहाँ पर अवैसी हो चाहे वहाँ पर लेफ्ट के लोग हों चाहे ये जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कोर्ट एंड कोर्ट कहते हैं वो ये बातें करते हों सब का ढोंग है कि सेकुलरिज्म होना चाहिए उनमें से कोई भी सेकुलरिज्म के मानी के करीब भी नहीं है अब मैं आपको सेकुलरिज्म का जो वहाँ पे दावा करते हैं और जो ये ऐलान करते हैं कि सेकुलरिज्म आ, बहुत अजीज़ है हमें भारत में सेकुलरिज्म चाहिए और जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ उनका क्लैश होता है मैं यहाँ पर एक मिसाल दूंगा तस्लीमा नसरीन की एक राइटर हैं आप उनसे एग्री कर सकते हैं डिसएग्री कर सकते हैं उनकी किताबों को लाइक कर सकते हैं डिसलाइक कर सकते हैं या आप उनको लाइक करते हुए उनकी किताबों के कंटेंट को कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया कंटेंट नहीं है मगर ये सेकुलर समाज में और सेकुलर की बात करने वाले कैसे कह सकते हैं कि तस्लिम नसीन के साथ हम खड़े नहीं हो सकते हम बैठ नहीं सकते हम उसके हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते एन डी टी वी में कुछ साल पहले एक ऐसा ही मुजाकर था विद द करटेसी ऑफ एन डी टी वी मैं उस शॉर्ट क्लिप को आपके साथ क्लिप कर शेयर करता हूँ आई कान्टू इन योर शो Because I can't share the dice with the, the lady which is, who is standing beside me. I'm very sorry to say. I can't continue. The, the hang on, Wait a minute, wait a But if you have something please. to say to her, you can. Just I please. Say, just I this, say. this is the only question. No, no. I, I, just one remark. I about, can't continue. Mark. You can I, continue I, your I debate. Th I think you I have. the no, has go, all sir. the right. I think this, yeah. is the, this is the symptom of radicalization. No, no, why? This is the rejection of secularism and democracy. If you don't want to sit with her, I would go if you sit there. You are the radical. You are the ones beating up the whatever stream. you say. Uh, it's not radicalization I'm sorry to say. Please, yeah, I, I I am I, I will be more than happy to continue, but I can't. All Get right. Lost. All Can right. I respond one thing? He lied through his teeth. तो ये है भारत में सेकुलरिज्म का प्रचार करने वालों का असल चेहरा कि कितनी उनमें टॉलरेंस है और कितनी उनमें बर्दाश्त है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एकोमोडेट करने के सिलसिला में यह है वहाँ का चेहरा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और जो कहते हैं कि हम लेफ़्ट के चैंपियन हैं ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं और जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन और जो कहते हैं कि मोदी जी की सरकारों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहा जो भारत में बैठ के मोदी जी के ख़िलाफ़ किताबें भी लिख रहे हैं और कहते हैं कि मोदी जी की सरकारों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रखा उनकी ही एक ट्वीट देख लीजिए जो बहुत लिबरल मॉडरेट मिस मिसराना यूब हैं अब वो तस्लीमा नसरीन ने मार्च 17, 2016 को लिखा था कि शेखर गुप्ता डियर सर डू यू वांट टू डिनाई द फैक्ट दैट इंडियन मुस्लिम्स स्पोर्ट पाकिस्तान इवन व्हेन पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले क्रिकेट ये उनका उनका ओपिनियन है अब वो क्या कहती हैं राना अयूब कहती हैं इस्लामोफोबिया सीज नो लॉजिक एंड फैक्ट्स। सच इंटेलेक्चुअल्स फार मोर डेंजरस देन रेडिकल्स। ये है राना अयूब का चेहरा फरहाल हैरत होती है कि ये किस मुंह से फिर सेकुलरिज्म की बात करते हैं कैसे ये सेकुलरिज्म का कह सकते हैं कि इनको सेकुलरिज्म चाहिए ये तो किसी दूसरे को अकोमोडेट करने को तैयार नहीं उसके प्रचार को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं वो तो तस्लिमा नसीन को कह रही हैं कि मोर डेंजरस दैन रेडिकल्स ये है भारत में सेकुलरिज्म की बात करने वालों का असल चेहरा अब सेकुलरिज्म के जो नारे लगाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में और जगह जगह अब उनका एक वीडियो क्लिप देख लीजिए मैं कई बार पहले भी शेयर कर चुका हूँ वो ये कहते हैं भारत में रहते हुए कहते हैं सेकुलरिज़म ख़त्म हो रहा है और कहते हैं बल्कि अक्सर तो कहते हैं ख़त्म हो चुका है और कहते हैं हम सेकुलरिज़म वापस लाएंगे और नारे किस तरह यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये लगते हैं ज़रा सुन लीजिए

तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नारे लगाने वाले जिनमें हम इजूम करते हैं कि मोस्टली मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं अपने ही देश भारत को कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला लाहल्ला ला लाहल ला है, है तो हमारा रिश्ता है वही जो पाकिस्तान का मतलब क्या ला लख्ला था कि ये 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 है सेक्कुलरज़म का असल चेहरा किस मुँह से ये सेक्कुलरज़म की बात करते हैं मुझे यहाँ कैनेडा में बैठ के हैरत होती है बल्कि शौक़ होता है कि ये सेकुलरिज्म मांगते हैं जो सेकुलरिज़म किसी को वन परसेंट तो क्या पॉइंट ज़ीरो 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 वन परसेंट भी नहीं दे सकते ये सेकुलरिज़म मांगते हैं अनबिलीवेबल सिचुएशन है इसीलिए मैं आज के इस मुख्तर शो में मुख्तसर एनालिस में ये बात कर रहा हूँ कि भारत का जो सेकुलरिज़म है उसको आप ये जो फ्रांस का और जो यूरोप का सेकुलर्ज़म उससे कंपेयर कीजिए अगरचे फ्रांस और यूरोप का सेकुलरिज़म भी इवन कैनेडा अमेरिका का सेकुलरिज़म भी बर्बाद हो गया इसी पोलिटिकल क्रेक्टनेस के हाथों एन डी टी वी का मैंने अभी पीछे आपको क्लिप दिखाया था तो उनकी कर्टसी के साथ मैं हैरान हूँ कि पाँच साल पहले या चार साल पहले उन्होंने किस तरह तस्लीमा नसीन को बुला लिया एन डी में अब तो मेरा नहीं ख़्याल कि तस्लीमा नसीन को एन डी टी वी पर बुलाया जाए तारक़ फ़तह साहब भी थे उसमें हमारे एन डी टी वी में जो उस क्लिप में आई डाउट के तारक़ फतह को भी अब एन डी टी वी बुलाए एन डी टी वी की सबसे ज़्यादा बात करने वाला मीडिया आउटलेट है तो ये सिचुएशन है सेक्लरिज़म के प्रचारक इदारों की और नेताओं की और लोगों की और सो so कॉल नाम नहाद इंटलेक्चुअल्स की पीछे किसी ने कहा था आ, गालबन वो एक और आ, मिस र, 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 रशीदा हैं वहाँ पे तो उनो, उनके फादर ने कहा था कि ये सब पैसे का धंधा है वो पैसे मिलते थे मेरी बेटी को तो वो सेकुलरिज्म के नारे भी लगा रही थी और ह्यूमन राइट्स की बात भी कर रही थी और जब तक मिलते रहेंगे एनजीओ में ये कारोबार चलता रहेगा तो ये है सेकुलरिज्म का असल में सारे का सारा खेल तमाशा अब सेकुलरिज्म जो फ्रांस में भी बर्बाद हुआ यूरोप में भी अमेरिका कैनेडा में भी बर्बाद हुआ है अब फ्रांस को और यूरोप को कुछ होश आ रही है जब जब उन्हें एहसास हुआ कि मुसलसल उनकी तमाम तरिकॉमडेशन के बावजूद उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ उन पर मुसलसल अटैक हो रहा है तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए लेकिन इस ज़माने की पॉलिटिक्स में कुछ पता नहीं कि किस वक्त कौन सा देश कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपना रुख मोड़ ले और एकदम से यू टर्न ले के जो इमरान ख़ान कहते हैं कि हम यू टर्न बोल लेते हैं यानी मुकर जाते हैं अपनी बातों से फिर जाते हैं कब ये यू टर्न ले के किस वक्त यूरोप की वेस्ट की कोई भी पार्टी कोई भी कंट्री किसी वक्त भी यू टर्न लेके अपने वोट बैंक्स के लिए कहीं से कहीं मुड़ सकता है ये है अफसोसनाक सिचुएशन लेकिन भारत में जो सेकुलरिज्म के असल मानी हैं वो समझे जाते हैं ऐसा नहीं है वो नहीं समझे जाते अभी पिछले बरस ही जयशंकर जी ने एक इंटरनेशनल फोरम पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म के जो इथहास हैं भारत में वो क्या हैं मैं एक वीडियो क्लिप आपके साथ एन आई की कर्टसी के साथ शेयर करता हूँ आई थिंक दैट वट वी हैव सीन आफ्टर सेवेंटी ऑडियर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इज एक्चुअली द रिजल्ट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया एंड बाई दैट आई मीन दैट टूडे पोलिटिकल पावर सोशल पावर टू सम डिग्री इकोनॉमिक पावर Has shifted out of the big cities, the more cosmopolitan cities, where people speak English, where they have a sort of a global comfort level, people like me, with whom you'd be comfortable, and move to a different set of people. People who are much more comfortable speaking in their own languages, who have uh, a, a sort of a cultural, uh, I would say, a milieu in which uh, would be. Uh, Far more rooted on the ground in many ways, uh, so uh, to my mind, the changes which have happened in India are actually the the demonstrate the successes of actual you know of democracy and what it has meant uh, in terms of uh, uh, the the consequences on the ground. So I I don't accept that secularism is under threat for a very simple reason. Look, at the end of the day, secularism. Was not promoted by a law or by a constitutional belief. It was promoted by the ethos of the society. So, you know, if the ethos of the society was not secular, no law, no constitutional provision would have ensured it. And I don't think the ethos of the society has changed because I think the ethos of India and the Hindu ethos of India is actually very secular, it's very pluralistic. तो जय शंकर जी ने बड़े ही अंदाज में कहा कि जो सेकुलरिज़म होता है इनफैक्ट वो लॉज से कॉन्स्टिट्यूशन से इम्प्लीमेंट नहीं उसकी होती इम्प्लीमेंटेशन उसकी होती है एथॉस ऑफ द सोसाइटीज़ के साथ नॉर्म्स होती हैं लेकिन सेकुलरिज्म को सही तौर से समझना भी तो ज़रूरी है जय शंकर जी तो सेक्कुलर्जम को समझ रहे हैं मगर बाक़ी जो सेकुलर्ज़म के नाम पे धंधा करने वाले सभी के सभी हैं वो सेकुलरिज्म को कितना समझते हैं एक और वहाँ के नेता हैं बड़े जाने पहचाने हैं मिस्टर अवैसी और उनके ब्रदर वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उनके ब्रदर अकबर अवैसी तो खैर अनबिलीवेबल हैं जो वो हेट्रेड उनके यहाँ होता है वो समझ से बाहर है लेकिन इवन मिस्टर अवैसी जो उनके भाई हैं असदुद्दीन अवैसी साहब वो भी सेकुलरिज्म की सुबह शाम बात करते हैं कहते हैं कि हमें सेकुलरिज्म के नाम पे अब स्पेस चाहिए हमें वोट लेने हैं और इस तरह की बातें करते हैं और जब उनके मन की बात आती है तो फिर वो ये बातें करते हैं आप सुन लीजिए उनके इस वीडियो क्लिप में मस्जिद इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इस्लाम इट इज मस्जिद You will get a reward, uh, 27 times more. So, masjid is an essential feature of of my religion. तो अवैसी साहब भी अपने रिलीजियस बिलीफ की बात करते हैं कि वो बाबरी मस्जिद के कॉन्टेक्स में ये कुछ साल पुराना एक वीडियो क्लिप है वो कह रहे थे आज भी उनकी सोच वही है तो तब ये कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद के कॉन्टेक्ट में उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया है कि मॉस्क इज एसेंशियल बिल्कुल इसेंशल है रिलीजन में हर रिलीजन में हर वर्शिप प्लेस इसेंशल है इस्लाम में भी मॉस्क इसेंशल है लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि आप दूसरे की वर्शिप प्लेस के ऊपर अपनी वर्शिप प्लेस को कायम रखना चाहें बहरा अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको ख़त्म कर दिया तो ये इनका है कि वो कहते हैं कि मैं मॉस्क में जा नमाज पढ़ूँगा तो ट्वेंटी टाइम्स मोर मुझे रिवॉर्ड मिलेगा ये अब कैलकुलेशन की बात है ये अब ये जो सवाब की बात है या जो जो रिवार्ड्स की बात है हमारे मुस्लिम माशरों में कि वो फिर कैलकुलेटर पे बैठ के हिसाब होता है कि अच्छा जी सौ गुना ज़्यादा मिलेगा तो हम पाँच रुपए की बजाय पाँच सौ रुपए कमा लेंगे इन्होंने ये बताया कि कोई इनकी रवायत है कि ट्वेंटी सेवन टाइम्स मोर इनको रिवॉर्ड मिलेगा अगर ये घर नमाज पढ़ने के बजाय मॉस्क में जा पढ़ते हैं बरहाल ये इस्लाम के रूल्स किसने सेट किए हैं आ, मैंने कुरान शरीफ़ को मतदद बार पढ़ा है और कुरान शरीफ़ मुझे अज़ीज़ भी है कुरान शरीफ़ में ऐसी कोई बात नहीं है इस तरह की कैलकुलेशन इस तरह का जो है ना कारोबार व्यापार मज़हब के नाम पर कुरान शरीफ़ में कोई नहीं है लेकिन बहरहाल अब उनका सेकुलरिज्म आपने देख लिया कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि 27 टाइम्स मोर बेनिफिट मुझे होगा कि अगर मैं घर में नमाज़ पढ़ने की बजाय मॉस्क में पढ़ूंगा और अगर बाबरी मॉस्क रहती तो वहाँ पे जाके पढ़ लेते मुसलमान तो बहाल अब तो मसला वो हल हो गया अब तो मॉस्क भी वहाँ पे बन रही है और जो पुराना सेकड़ मंदिर था वो भी अब वहाँ पर बहाल हो रहा है लेकिन सेकुलरिज़म का ये चेहरा है इन लोगों का जो सेक्लरिजम का प्रचार करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर यह जो है इल्ज़ाम या आरोप ये दिन रात लगाया जाता है कि सेकुलरिज्म को बर्बाद कर रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं 2012 में जब वो चीफ मिनिस्टर ऑफ़ गुजरात थे तब उनसे सेकुलरिज्म के बारे में एक वेबिनार में पूछा गया तो उन्होंने उसमें क्या कहा ये एक वीडियो क्लिप मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं अपने शो को वाइंड अप करूँ सेक्युलरिज्म पर हमारे देश में भारी डिबेट होती रहती है और सेक्युलरिज्म की कई डेफिनेशन हो रही है डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो तो आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन हर एक ने अपने अपने तरीके से की है और मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि हर व्यक्ति ने अगर सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन की है तो मैं भले ही छोटा इंसान हूँ मुझे भी सेक्युलरिज्म की अपनी डेफिनेशन देने का अधिकार है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए सेक्युलरिज्म मीन्स इंडिया फर्स्ट मेरा भारत सबसे पहले ये अगर हर भारतीय के दिल में रहा वो सबसे बड़ा सेक्युलरिज्म है आपने कहा यह बात सही है कि जिस देश में वसुधैव कुटुम्ब कंपनी भावना रही हो जिस देश में सर्वे अपि सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्चंतु मां का सिद्धु भाग भवेद सर्व के कल्याण की कल्पना जहां रही हो वो देश जहाँ पेड़ और पदे पौधे में भी परमात्मा देखा जाता हो वो देश जो चीटी को भी खाना खिलाकर के खाने का स्वभाव रखता है वो देश को अगर कोई दुनिया के लोग सेकुलरिज्म पढ़ाने की बातें करते हैं तो उस देश का अपमान दिखता है हिंदुस्तान ही है जिसने सारे विश्व को सही अर्थ में सेकुलरिज्म सिखाया है जब तक अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था वहां के सेकुलरिज्म को कभी सवाल नहीं उठाता जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था कभी सेक्युलरिज्म का सवाल नहीं उठाता जब बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा था कभी सेक्युलरिज्म का सवाल नहीं उठाता जो जो हिस्से हिंदुस्तान से कट गए वहां सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गया हिंदुस्तान ही सेकुलरिज्म की गारंटी है हिंदुस्तान के डीएनए में है यहाँ की जेनेटिक व्यवस्था में है और इसलिए राजनेता सेक्युलरिज्म के नाम पर कितने ही रोटियां सेकते रहते हो राजनीति करते रहते हो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को बुरा भला कहने की फैशन रखते हो उसके बावजूद भी मेरा भरोसा है कि हिंदुस्तान के जहन में सर्व को साथ लेकर के चलने की ताकत है और हम लोग कहते हैं कि सर्वपंथ संभव। वोट बैंक की राजनीति ने हमारे सेकुलरिज्म की ऊंचाइयों को बहुत खोखला कर दिया है जिस दिन वोट बैंक की राजनीति खत्म होगी हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म पूरा विश्व समझ पाएगा विश्व को साथ रहने का सामर्थ्य मुझे गुजरात का उदाहरण है आज से 700 साल पहले दुनिया की माइक्रो माइनोरिटी दुनिया की माइक्रो माइनोरिटी पारसी कौम ईरान से आई और मेरे गुजरात के अंदर भाई की तरह बस गई आज हमारे यहाँ दुनिया की माइक्रो माइनोरिटी गुजरात में रहती है और सबसे सुखी है सबसे सुखी संतोषी है ये ये मैं गुजरात के अनुभव से कह सकता हूँ ये हिंदुस्तान की ताकत है और उस ताकत में हमें नाज होना चाहिए हम पूरे विश्व को अपना मानने वाले लोग हैं पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग हैं और इसलिए सेकुलरिज्म पर कोई खतरा नहीं है सेकुलरिज्म की समझ को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया है वोट बैंक की राजनीति ख़त्म हो जाएगी तो वो भी ठीक हो जाएगा ये मेरा विश्वास है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये मैं पुराना क्लिप आपके साथ पूरे का पूरा शेयर करना चाहता था सेकुलरिज्म के हवाले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने 2012 में ये बात की थी तब भी उनको पूरा अंदाज़ा था कि सेकुलरिज्म के असल मानी क्या हैं और तब भी वो गारंटर थे इस बात के कि सेकुलरिज्म को भारत में कोई खतरा नहीं होगा लेकिन जो सेकुलरिज्म को ख़तरा सम सेकुलरिज्म को समझते हैं कि उन उसको ख़तरा है आज के दिन वो पहले सेकुलरिज्म को तो समझे ना वो सेकुलरिज्म के नाम पे ये दुकानदारी ये धंधा ये पॉलिटिक्स ये तो करना बंद करें लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता और ये अपनी दुकानें किसी सूरत भी बंद करने वाले नहीं जो नाम नहाद ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और नाम नहाद मीडिया को सेकुलर बुनियादों पर चलाने की बात करते हैं और सियासत सेक सेकुलर्ज़म के नाम पे भारत में करते हैं ये किसी सूरत भी सेक्युलरिज्म के असल मानी नहीं समझ सकते ये किसी सूरत भी अपने मुखालफन को एक्मोडेट करने को तैयार नहीं है तो भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो इनकी वजह से ख़तरे में है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से किसी सूरत भी खतरे में नहीं है आज का बेला तकल्फ़ तजिया भारत में सेक्युलरिज्म को दरपेश मसाइल के हवाले से सुनने और देखने का शुक्रिया आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके साथ साथ आप हमें डोनेट भी करते रहा करें ताकि हम ऐसी ही खरी खरी बातें आपके साथ शेयर करते रहें tagtv.info टी वी डॉट की वेबसाइट पर जाके डोनेट कर सकते हैं या इसी यूट्यूब के चैनल पर डोनेट का बटन लगा हुआ है आप उसको दबा के हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आज का बिला तकल्फ़ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब tagtv टी वी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस